हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यू एन ए यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आप सभी के फेवरेट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो होने वाली है लिरिक्स वेबसाइट रियलिटी चेक। तो लिरिक्स वेबसाइट पर कैसे काम करना है, कैसे उस पर पोस्ट लिखनी है, कैसे SEO करनी है, उसके ऊपर यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसके ऊपर आजकल रेस चली हुई है कि मैं भी लिरिक्स वेबसाइट बनाऊँ। बट इस वीडियो में आपको उसका रियलिटी चेक मिलेगा, कुछ ऐसे फैक्ट्स, हिडन फैक्ट्स एंड फिगर्स कह लो, जो कि आपको उन वीडियोस में नहीं बताए गए। और अगर आपको यहां पर, अगर आप लिरिक्स वेबसाइट अपनी बना रहे हो या बनाने की सोच रहे हो या बना चुके हो और उस पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। हो सकता है उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेने में ईजी होगा कि आपको चीज़ें इस पर वर्क करना है या नहीं करना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको जेन्युइन और इन डिटेल सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उसके बाद आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये पूरा एक रियलिटी चेक होगा, हिडन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि मैंने निकाले हैं, जो कि आपको और वीडियोज़ में नहीं बताए गए। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक का जरूर देखिएगा, और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि आपको जब भी कोई जेन्युइन वीडियो यहाँ पर पब्लिश होगी, अपलोड होगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार वीडियो का जो है डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी दो रियलिटी चेक करे थे, एक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट का और एक व्हाट्सएप वायरल स्क्रिप्ट का। अगर वो नहीं देखे तो जाके देख लो, लेकिन उन वीडियोस में मुझे काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन जेन्युइन दी थी, वीडियो लोगों को पसंद भी आई थी, लेकिन कुछ नेगेटिव लोग होते हैं ना जो कि नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उसके लिए मैं एक बार वीडियो का डिस्क्लेमर बता दूं। और अगर आपको डिटेल में जानना चाहते हो और अगर आपकी लिरिक्स वेबसाइट है तो वीडियो लंबी हो सकती है, सारी चीज़ें क्लियर आउट करना चाहते हैं तो वीडियो देख लेना, हो सकता है 20 मिनट की हो या 30 मिनट की हो, तो वीडियो डेफिनेटली लंबी होने वाली है क्योंकि डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो का डिस्क्लेमर। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज माय पर्सनल, सॉरी ऑप्शन लिखा है यहां पर ओपिनियन आएगा, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कर देता हूं मैं इसे, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड सजेशन बेस्ड ऑन माय रिसर्च एंड सम ग्रुप मेंबर एक्सपीरियंस। यानी कि इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूं वो मेरी पर्सनल ओपिनियंस है लिरिक्स वेबसाइट को लेकर। लिरिक्स वेबसाइट में यानी कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है उसमें काफ़ी लोगों की लिरिक्स वेबसाइट है, तो उन्होंने भी अपनी साइट्स के स्टैट्स और चीज़ें मेरे साथ शेयर करी थी, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और सजेशन है, और रिसर्च के ऊपर सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप मेरे सजेशन को मानते हो या नहीं मानते हो, बट मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, वो मैं आपको दे रहा हूँ। सेकेंड जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि नो टारगेटिंग एनीवन, मैं यहाँ पर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट पर जो रियलिटी चेक करा था तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि इसके अगेंस्ट वीडियो बना दी या ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो ये कुछ लोगों को बुरी लग सकती है और काफ़ी लोगों को अच्छी भी लगेगी जो जेन्युइन बंदे होंगे, तो वो चीज़ है। यहाँ पर किसी को टारगेट या किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन के ऊपर और रिसर्च के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, करेंगी, सारा मैं अपनी रिसर्च और अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर, मैं इस वीडियो में आपको लिरिक्स वेबसाइट से रिलेटेड हिडन फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा जो आपको किसी और वीडियोज़ में नहीं बताए हुए हैं, इस चीज़ की मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटीड आपको बताने वाला हूँ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर। सो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चलिए अब वीडियो को कंप्लीटली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या लिरिक्स वेबसाइट पर रियली काम करना चाहिए। सो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें आप पहले ही मिस कर रहे हो, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी चीजें इन डेप्थ और रियल चीज़ें यहाँ पर पहले ही मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने एक पोल किया था, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कौन कौन लिरिक्स साइट पर काम कर रहा है, ठीक है, उसमें टोटल 199 वोट्स आए थे, जिसमें से आपके सामने रिजल्ट है वोट का। यहाँ पर 30% लोगों ने बोला कि मैं लिरिक्स वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ, 42% लोगों ने बोला नहीं कर रहा हूँ, और 28% लोग जो कि जिन्हें पता था, जेन्युइन चीज़ें पता थी, उन्होंने कहा मत करो, कोई बेनिफिट नहीं है लिरिक्स वेबसाइट पर काम करने का। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रुप में
यहाँ पर सेकंड पोल डाला। सेकंड पोल क्या था कि किसकी अर्निंग हो रही है लिरिक्स साइट से। तो यहाँ पर देखो टोटल 217 वोट आए, 217 वोट में से 50% लोगों ने बोला कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो 50% लोग में से 42%, बहुत बड़ा रेशियो है, 42% लोगों का कहना है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन अर्निंग ट्रैफिक उनका कुछ भी नहीं आ रहा, और 8% लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग हो रही है और जिनको यानी कि यहाँ से वो अर्निंग निकाल पा रहे हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर डाला था कि क्या लिरिक्स वेबसाइट पे काम करना सही है या नहीं है, तो वहां पर भी देख लो ये सारा परसेंटेज है। 12% लोगों ने बोला हाँ सही है, 38% लोगों ने बोला नहीं गलत है, कुछ नहीं होगा यानी कि कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पोल मैंने यहाँ पर क्रिएट करे थे, यहाँ पर देखो ये दो, डू यू गाइज वॉन्ट रियलिटी चेक ऑन लिरिक्स वेबसाइट। यहाँ पर मैंने लोगों से पूछा था क्या लिरिक्स वेबसाइट के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो यहाँ पर 71% लोगों का आया था येस, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोल, किस किस ने लिरिक्स वेबसाइट पर काम शुरू किया है और ट्रैफिक और अर्निंग दोनों आ रही हैं, ये है सबसे मेन पोल जो आप सभी लोगों को देखना चाहिए। 47% लोगों ने बोला नहीं हो रहा है, बेकार है, मत करो। 37 लोगों ने बोला जो कि काम कर रहे हैं बहुत मेहनत के बाद भी कुछ अर्निंग नहीं हो रही, और 60% लोगों ने बोला कि अर्निंग यहाँ पे हो रही है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है, लिरिक्स वेबसाइट पे ऐसा नहीं है कि आप अर्निंग नहीं कर सकते, मेहनत करोगे, मेहनत किसी भी चीज़ में करोगे तो डेफिनेटली अर्निंग होगी, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी रिसर्च के ऊपर सारी चीज़ें, जब मैंने देखा यूट्यूब पर इस चीज़ की भेड़ चाल चली हुई है कि पहले इमेज वेबसाइट की थी, फिर स्टेटस वेबसाइट की थी, फिर मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट की थी, अब यहाँ पर सब लिरिक्स वेबसाइट के ऊपर भाग रहे हैं, तो फैक्ट्स एंड फिगर रिसर्च करके मैंने यहाँ पर कुछ निकाले जो मैंने नोट डाउन करे हैं। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाई कंपटीशन। अब ये बोलोगे आप लोग, भाई ये क्या कह रहा है, हाई कंपटीशन कैसे हो सकता है, सोच के देखो। जो भी आप, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप YouTube पे कोई भी वीडियो देखते हो, चाहे मेरी ही वीडियो क्यों ना हो, उस पर कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, हमेशा उसके बाद उस चीज़ों को एक्सप्लोर करो, उसमें रिसर्च करो। चाहे मेरी वीडियो हो, किसी और की हो, चाहे कोई पॉपुलर ब्लॉगर ही क्यों ना हो, अपनी तरफ से रिसर्च और तसल्ली हमेशा करो। सबसे पहला पॉइंट, हाई कंपटीशन। अब मान के चलो आपने यूट्यूब पर एक चैनल है या कोई भी है जिसने भी लिरिक्स वेबसाइट की डाली है, अब वहाँ पर उस पर व्यूज़ इतने सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ से आप लेके चलो 60,000 लोगों ने या 70,000 या 1,00,000 लोगों ने वहाँ पे वीडियो देखी, तो 1,00,000 लोग में से मान लो 50,000 भी वहाँ पर उस कॉम्पिटिशन को, जब वो वीडियो बनी थी तब उस पर 100% कॉम्पिटिशन लो था, लेकिन जब लोगों ने उसे देखा, वीडियो चली, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कॉम्पिटिशन अपने आप इंक्रीज हो गया। आप सोच के देखो, लॉजिक लगाओ, चीज़ों को ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो मत करो। फॉर एग्जांपल, वीडियो आई, उस पर मान लो 1,00,000 व्यूज़ आ गए, 1,00,000 में से अगर 50,000 लोगों ने भी उस निश पे काम किया तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। भेड़ चाल में सब चले जा रहे हैं कि मैं लिरिक्स वेबसाइट पे काम करूँगा, मैं लिरिक्स वेबसाइट पे काम करूँगा, कॉम्पिटिशन अपने आप बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर अब यहाँ पर जो है इतने लोगों ने काम करा, तो हो सकता है 50-100 बंदे सक्सेस भी कर जाएं, जो कड़ी मेहनत करेंगे, जो फुल ऑन करेंगे, और 90% लोगों का फेल होने वाला है, लिखवा के ले लो मेरे से चीज़ें, मैं इन रिटर्न दे सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि कंपटीशन अब, जब चीज़ें ये ऑफिशियली आई नहीं थी तब कंपटीशन कम था मैं मानता हूँ, लेकिन जब ये चीज़ें पब्लिक हो गई तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को पता होगा, मेरे को चैनल को आप शुरू से फॉलो करते हैं, तो मैंने भी एक वीडियो डाली थी लो कंपटीशन कीवर्ड की, मैंने आपको लिस्ट दी थी, लेकिन उस वीडियो से मेरे को एक चीज़ समझ में आया, मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि वो लिस्ट मैंने जब शेयर करी थी तब उन कीवर्ड्स पे कंपटीशन बहुत कम था, लेकिन आज के डेट में मेरी वो वीडियो थोड़ी चल गई, उस वीडियो पर 28,000-29,000 व्यूज़ हैं। अब उस वीडियो के व्यूज़ के लेके उसमें से मान लो 10,000 लोगों ने ही उन कीवर्ड पे काम करा होगा, तो कंपटीशन आज की डेट में इतना बढ़ गया है। तो ये जो वीडियोज़ आ रही है ना कि हाई लो कंपटीशन कीवर्ड आपको बता रहे हैं, हाई CPC कीवर्ड बता रहे हैं, तो इनका यहाँ पर जब वो बता रहे हैं तब तक कंपटीशन लो है, लेकिन जब वो पब्लिक हो जाती है तो कंपटीशन लो नहीं होता। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उससे मुझे ये चीज़ पता चली कि ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड हैं उनमें कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा और जो बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जब भी कोई भी वीडियो देखो उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, मेरा सबसे मेन
कहना आपको ये है। दूसरी चीज यहाँ पर, पहला पॉइंट हाई कंपटीशन कैसे हो जाता है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, डू प्रॉपर रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग एनी ब्लॉग। अब यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि भेड़ चाल में मत चलो। सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट के ऊपर वीडियोज आती थी यूट्यूब पे बहुत सारी, तो सब मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट पे जाने लग गए। फिर इमेज वेबसाइट के ऊपर सीरीज आई लोगों की यूट्यूब पे, मैंने भी डाली थी, तो सब इमेज वेबसाइट ही बना रहे थे। उसके बाद स्टेटस वेबसाइट पे वीडियो आई तो सारे के सारे स्टेटस वेबसाइट में चले गए। उसके बाद अब लिरिक्स वेबसाइट की आ रही है तो सारे के सारे, अब मेरे पास जितने भी डीएम्स आ रहे हैं, जितने भी मैसेज आ रहे हैं, सब लिरिक्स वेबसाइट से आ रहे हैं। भाई लिरिक्स वेबसाइट बनाऊं, लिरिक्स वेबसाइट का एसईओ कैसे करूं, इस पे पोस्ट कैसे करूं, इसको रैंक कैसे कराऊं, कॉपीराइट कंटेंट इशू, ये सारी चीजें। तो भेड़ चाल में मत चलो, अपना कुछ यूनिक लेके चलो और लॉन्ग टर्म लेके चलो। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म है, ये चीज आप दिमाग में बिठाओ। शॉर्ट टर्म में है आप थोड़ा पैसा कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म लेके इन्हें आप नहीं चल सकते। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हर एक चीज को फॉलो मत करो। लाइक सबसे पहले आपने एक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट के ऊपर वीडियो देखी तो आपने मूवी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी, आपने फिर लिरिक्स वाली देखी तो लिरिक्स वेबसाइट स्टार्ट कर दी, फिर आपने इमेज वेबसाइट देखी तो इमेज वेबसाइट स्टार्ट कर दी। जैसे मान लो हर वेबसाइट पे आपने 3-3 महीने या 2-2 महीने लगा के भी काम करा, सक्सेसफुल कोई नहीं हुई। अब वही चीज़ आप सोच के देखो, सबसे पहले वीडियो आपने मान लो इमेज वेबसाइट वाली देखी थी, अगर आप फर्स्ट डे से ही आप डिसाइड कर लेते कि मुझे और कोई भी आ जाए, मुझे सिर्फ यहाँ पर इमेज वेबसाइट पर काम करना है, तो उस वेबसाइट को आज 6-7 महीने हो जाते और आपकी उससे अर्निंग स्टार्ट हो जाती, ये चीज गारंटीड है। अब वहां पर हर 2 महीने में आपने निश चेंज कर दिया तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि एटलीस्ट 4-5 महीने आपको एक निश पे, एक ब्लॉग पे काम करना पड़ता है। अब डू प्रॉपर रिसर्च का मतलब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे बड़ा हिडन फैक्ट्स यहाँ पर जो लोगों को नहीं पता, जो लोग ब्लाइंडली लिरिक्स वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लिरिक्स सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक धीमे धीमे, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ धीमे धीमे लिरिक्स। अब सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर देखो क्या है, ये लिरिक्स आपके सामने आ गए, ठीक है, सारे लिरिक्स आपके सामने आ गए। अब आप खुद बताओ, आप एक यूजर हो, ठीक है, आपका कोई ब्लॉग नहीं है, आप गूगल पे जाते हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप गूगल पे जाते हो, आपको मान लो इस गाने के लिरिक्स ढूंढने हैं, ठीक है, आप सीधा गूगल पे जाओगे, टाइप करोगे धीमे धीमे लिरिक्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपके सामने आपने ये सर्च करा, आपके सामने ये सारे लिरिक्स आ गए, ठीक है। अब एज अ यूजर आपके सामने ये सारे लिरिक्स आ गए तो आप इन नीचे वाली वेबसाइट पे जाओगे क्यों, क्योंकि आपने सर्च क्या किया, धीमे धीमे लिरिक्स, और लिरिक्स आपको ऊपर टॉप में ही मिल गए। यहाँ पर देखो लिरिक्स आपको ऊपर टॉप में ही मिल गए तो आप नीचे वाली वेबसाइट्स पे क्यों जाओगे। सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा फैक्ट लिरिक्स वेबसाइट में यही है कि यहाँ पर ये जो स्कीमा होता है, यानी कि पहले से ही गूगल इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे के पहले से ही यहाँ पर देखो लिरिक्स दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो इस कीवर्ड पर लिरिक्स पहले से ही आ रहे हैं, और ये ऐसा एक लोता कीवर्ड नहीं है, ऐसे हजारों लाखों कीवर्ड है। अब लिरिक्स यहाँ पे पहले ही आ गए तो कोई भी बंदा, कोई भी यूजर जिसे लिरिक्स लेने थे उसे तो यहीं मिल गए, अब वो इस वेबसाइट पर क्यों जाएगा। आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ। ये मैं बोलता हूँ कि कोई भी वीडियो देख के ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसके पीछे उसका रिसर्च करो, अपने एंड से तसल्ली करो कि चीजें क्या है, कैसे वर्क करती हैं। ये देखो अब इसके ऊपर कोई भी क्यों जाएगा, तो इस वेबसाइट पर तो ट्रैफिक नहीं जाएगा। और ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा एक ही कीवर्ड है, अब यहाँ पे कोई भी कीवर्ड देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कीवर्ड, कोई भी यहाँ पर सर्च कर लो। ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ऐसी रैंडमली सर्च करा, अखियों में तेरी कोई गाना होगा उसका लिरिक्स सर्च करा, लिरिक्स यहाँ पे पहले ही आ गए, मानते हो पूरे लिरिक्स आ गए। अब जिस बंदे को ये कीवर्ड सर्च करना था उसे लिरिक्स यहीं पर मिल गए, तो वो ये जो नीचे वेबसाइट आ रही हैं इन वेबसाइट पर क्यों जाएगा, क्योंकि जो काम उसने देखना था, जो चीज़ें उसे सर्च करनी थी, वो उसको यहीं पर मिल गई हैं। तो आप खुद बताओ कि वो बंदा इन नीचे वाली वेबसाइट पर क्या जाएगा, इन नीचे वाली वेबसाइट पर क्यों जाएगा, तो ट्रैफिक अपने आप खत्म हो गया। ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब आप किसी में भी देख लो, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जिनमें आपको ये वाली प्रॉब्लम दिखेगी ही दिखेगी। और मेरी मानो तो लिरिक्स वेबसाइट पे मेरा रिकमेंडेशन है, मैं नहीं कह रहा कि मत काम करो, क्योंकि कंपटीशन अब कम नहीं रहा है, इस पे कंपटीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुका है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप यहाँ पे इतनी मेहनत करके लिरिक्स वेबसाइट पे काम ना करके कोई अपना ऑथोरिटी ब्लॉग बनाओ, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैंने अभी आपको बताया लिरिक्स वेबसाइट का क्या है, कि अगर मान लो कोई भी आप लिरिक्स सिलेक्ट करते हो उसके लिरिक्स पहले ही आ जाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है उस कीवर्ड पे काम करने का, क्योंकि वहां पर यूजर का इंटेंट यहीं पे पूरा हो गया तो वो आपकी वेबसाइट पर क्यों जाएगा। फॉर एग्जांपल चलो एक और मैं आपको ऐसी करके दिखा देता हूं, मेरे दिमाग में गाना आ रहा था, ये मैं सर्च करता हूं अखियों से गोली मारे लिरिक्स, ठीक है, ये मैंने सर्च करा, देख लो
इसके लिरिक्स यहाँ पे पहले ही आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर हूँ, मेरे को इसके लिरिक्स चाहिए, तो मेरे को लिरिक्स यहाँ पर ही मिल गए, तो मैं नीचे वाली वेबसाइट ये जितनी भी आ रही है इन पे क्यों जाऊँगा, इनको ट्रैफिक क्यों दूँ, क्योंकि जब मेरा काम यहाँ पर ऊपर गूगल ने खुद ब खुद पूरा कर दिया है तो इनके ऊपर क्यों जाऊँ। सो आई थिंक आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कह लो या फिर सबसे बड़ा जो है फैक्ट कह लो लिरिक्स वेबसाइट का, यही है, यही चीज़, ये जो चीज़ है लिरिक्स जो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं उसके बाद बंदा क्यों जाएगा। तो चीज़ें अपने एंड से रिसर्च करो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। सेकंड पॉइंट ये, उसके बाद एक जो बहुत बड़ी चीज़ें चल रही हैं कि कीवर्ड प्लानर में कंपटीशन, यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि कंपटीशन, लो कंपटीशन कीवर्ड आपको दिखाए जाते हैं कि कीवर्ड प्लानर में उसका कंपटीशन लो दिखाया जाता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि जो कीवर्ड प्लानर में कंपटीशन दिखाया जाता है ना, लो हो गया, वो हाई हो गया, वो आपका ऑर्गेनिक यानी कि सर्च उसके क्वेरी के रिलेटेड नहीं होता। जो वो कंपटीशन दिखाया जाता है कीवर्ड प्लानर में लो या हाई, वो बिड के रिगार्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कीवर्ड है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, उस पर अगर कॉम्पिटिशन दिखा रहा है हाई, हाई कॉम्पिटिशन का मतलब ये नहीं है कि इस पर सर्च करने में आपको हाई होगा, हाई कॉम्पिटिशन का मतलब ये है उसका बिडिंग से रिलेटेड वो बता रहा है कि अगर आप इस पर बिडिंग करते हो तो आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा आई है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर ऑलरेडी बिडिंग कर रहे हैं। तो कीवर्ड प्लानर में जो कंपटीशन होता है उसको लेके मत चलो, वो बिडिंग का कंपटीशन होता है, ये चीज मैं आपको क्लियर करूं। और दूसरी, उसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज आती है, लोग सीपीसी करते हैं कि भाई मुझे हाई सीपीसी कीवर्ड चाहिए, हाई सीपीसी कीवर्ड चाहिए, और वो वही चीज है कि कीवर्ड जाते हैं और वो देखते हैं कि हाँ इस कीवर्ड का सीपीसी यहाँ पे $5 दिखा रहा है, तो यानी कि कोई भी इस कीवर्ड पर क्लिक करेगा तो मुझे $5 मिलेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता मेरे दोस्त। $5 सीपीसी का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पे दिखता है, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको लाइव भी करके दिखाता हूँ, ऊबर सजेस्ट में जाते हैं हम, ऐसी करके दिखाता हूँ मैं आपको ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। व्हाट इज ब्लॉगिंग, ठीक है, मैंने ये सर्च करा व्हाट इज ब्लॉगिंग, अब यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम दिखाएगा, SEO डिफिकल्टी दिखाएगा और सीपीसी दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीपीसी यहाँ पर दिखा रहा है $1.13, अब यहाँ पर $1.13 दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेगा तो आपको सीधा $1.13 मिलेगा। सीपीसी का मतलब ये होता है कि 0 से लेके 1.13 तक आपको मिल सकता है, यानी कि मैक्सिमम सीपीसी आपका 1.13 जा सकता है इस कीवर्ड पर। अब वो डिपेंड करता है आपका ट्रैफिक कैसे आ रहा है या बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कितना सीपीसी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पोस्ट लिखा व्हाट इज ब्लॉगिंग पे, ठीक है, और उस पे ऊपर आपको किसी ने क्लिक कर दिया आपकी एड पे, तो वहां पर सीपीसी का मतलब यह है कि आपको 0 से लेके 1.13 तक मैक्सिमम सीपीसी मिल सकता है, उससे ऊपर नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है कि 1.13 लिखा है तो आपको हर क्लिक पे 1.13 मिलेगा, किसी क्लिक पे आपको $0.01 भी मिलेगा, किसी क्लिक पे आपको $1 भी मिलेगा, किसी क्लिक पे आपको $1.13 भी मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये होता है सीपीसी का फंडा, जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताता, यहां पर मैं आपको रियल फैक्ट, रियल चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पे अपने आते हैं, गो विद समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट का मतलब यह है कि कुछ ऐसा चीजें फाइंड आउट करो, कुछ ऐसी चीजें निकालो जिसमें आप अकेले हो, अकेले इन द सेंस यूनिक, आप अकेले ही कंपटीशन लो हो। अब लिरिक्स वेबसाइट जब ये यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आई थी तब 100% कंपटीशन लो था, तब अगर वर्क करते तो 90% चांसेस थे कि आप सक्सेस हो जाते। लेकिन आज के टाइम पे वीडियोस इतनी आ गई हैं, ये चीज़ इतनी वायरल हो गई है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आज के टाइम पे आप अगर काम कर रहे हो तो सक्सेस रेट में मान के चलता हूँ यहाँ पर आपका 20% भी नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों लोग इस पे काम कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि मुझे पता है दिन में मुझे यहाँ पर लिरिक्स वेबसाइट से रिलेटेड, इमेज वेबसाइट से रिलेटेड, स्टेटस वेबसाइट से रिलेटेड 200-400 DMs आते हैं जिनमें मुझे यही पूछा जाता है कि भाई लिरिक्स वेबसाइट का ये डोमेन ले लूँ, इस वेबसाइट पे मैं ऐसे कैसे पोस्ट लिखूँ, इस वेबसाइट को मैं कैसे रैंक कराऊँ, इस वेबसाइट पे मैं कितनी पोस्ट लिखूँ, अर्निंग नहीं हो रही भाई, ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसा अलग लेके और अथॉरिटी ब्लॉगिंग करो। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टिक टू वन निश। स्टिक टू वन निश का मतलब है कि एक ही चीज़ को लॉन्ग टर्म लेके चलो, वही है कि भेड़ चाल में मत चलो। आज लिरिक्स वेबसाइट पे वीडियोस आ रही हैं तो लिरिक्स वेबसाइट की तरफ भागो, इमेज वेबसाइट पे आ रही है तो इमेज वेबसाइट की तरफ भागो, स्टेटस वेबसाइट पे वीडियोस आ रही हैं तो स्टेटस वेबसाइट पे भागो, एक ही चीज़ को लॉन्ग टर्म लेके चलो। इसका प्रूफ मैं अगली वीडियोज़ में आपको दूंगा कि अगर आप एक ही निश को पकड़ के चलते हो तो सक्सेस आपकी कितनी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 महीने लिरिक्स वेबसाइट पर काम करा, सक्सेस नहीं मिली, छोड़ दिया। 2 महीने आपने इमेज वेबसाइट पर काम करा, सक्सेस नहीं मिली,
मिली आपने छोड़ दिया, 3 महीने आपने स्टेटस वेबसाइट पे काम करा सक्सेस नहीं मिली आपने छोड़ दिया, आपके कितने यहाँ पर 8 से 9 महीने आपके वेस्ट हो गए किसी में भी सक्सेस नहीं मिली। अब अगर वही चीज 8 से 9 महीने आप बिना पैसों की उम्मीद करें 8 से 9 महीने सिर्फ चारों में से या तीनों में से एक ही निश पे पकड़ लेते, फॉर एग्जांपल सिर्फ इमेज निश को ही पकड़ के चलते, उस पर 8-9 महीने काम करते, तो 8-9 महीने में आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही होती, ये चीज गारंटीड है फॉर श्योर। अब यहाँ पर अगला पॉइंट, डू लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग, यानी कि वही मेरी बात है कि लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करो, शॉर्ट टर्म मत करो। शॉर्ट टर्म में मान लो आपने 1 महीने में $1,000 कमा लिए, फिर बाकी के आप 11 महीने ऐसे ही बैठे रहो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, या फिर आपको हर महीने आपको $100 सालों तक मिलते रहे वो बेनिफिट है, आप खुद मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो ये चीज़ें हैं कि लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करो, कि भले ही लॉन्ग टर्म में आपको धीरे धीरे सेल्स इंक्रीज होंगी, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, पहले महीने में आपको $100 आएंगे, दूसरे में 200, 300, 400, ये नहीं होगा कि स्मॉल टर्म की तरह कि 1 महीने में आपको 1,000 आ गए और अगले 5 महीने तक 1 रुपये भी ना आए। सो वो चीज़ें करो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली। ये चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोली थी। आप YouTube पर कोई भी वीडियो देखते हो, कोई भी, चाहे मेरी ही ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के देखने के बाद भी अपनी तरफ से रिसर्च 100% करो। अगर आप अपनी तरफ से रिसर्च नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से अपने तसल्ली नहीं कर रहे हो कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और उनमें कभी भी आपको सारी चीज़ें फैक्ट नहीं बताई जाती 100%। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी ये वीडियो है, इसमें भी हो सकता है मैंने आपको कुछ चीज़ें स्किप कर दी हूँ या कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ जो चीज़ें हैं, फैक्ट चीज़ें हैं क्लियरली बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं छुपा रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपकी बताने भूल गया हूँ। तो रिसर्च अपने एंड से करो, किसी पर भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। किसी ने आपको बोल दिया कि लिरिक्स वेबसाइट बनाओ, इस पर $1,000 अर्न करोगे, किसी ने बोल दिया इमेज वेबसाइट बनाओ, इस पर $500 अर्न करोगे, और आप चल दिए वेबसाइट बनाने, ऐसा कभी मत करो। कोई भी वीडियोस देखो, वीडियोस देखना बुरी बात नहीं है, सब आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी का जेन्युइन कंटेंट है, किसी का थोड़ा स्पैमी है, कोई व्यूज के लिए वीडियो बना रहा है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी वीडियो देखो उसके बाद अपने एंड से 100% रिसर्च करो, मेरा यही सबसे बेस्ट सजेशन आपको है, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं तो मैंने वीडियो देखी लिरिक्स वेबसाइट पे, मैं भी काम कर लेता, बट मैंने ये रिसर्च करी, मेरे को चीज़ें पता चली। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया कि लिरिक्स ऑलरेडी पहले ही मिल जाते हैं, तो ये चीज़ें मेरे को रिसर्च के बाद पता चली। लेकिन आप लोग, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियोस देखी और उन्होंने डोमेन बुक कर दिया, काम शुरू कर दिया, काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि रिसर्च उन्होंने अपने एंड से तसल्ली नहीं करी कि क्या चीज़ें फैक्ट हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। तो वो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो, चीज़ें अपने एंड से क्लियर करो। मैंने आपको यहाँ पर 10, 12 या 5, 6 पॉइंट बताए हैं, आप रिसर्च करो, आपको 4 पॉइंट और अलग इससे हटके मिलेंगे, गारंटीड के साथ बोल रहा हूं। तो रिसर्च अपने एंड से पूरी करो, ताकि आपको चीज़ें एक्सप्लोर करो, तभी चीज़ें सीखोगे, तभी चीज़ें कर पाओगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सो दोस्तों, आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिरिक्स वेबसाइट से क्लियर कर दी, कि इसका कंपटीशन अभी लो नहीं बचा है, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। सबसे बड़ा लॉस मैंने आपको जो वो कीवर्ड वाला है वो बता दिया, बैकलिंक वाला, और एडसेंस अप्रूवल हाँ मिलता है, बट बहुत से लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि कॉपी कंटेंट कहीं ना कहीं होता है और गूगल उस चीज़ को प्रेफर नहीं करता, बट उसके भी तरीके होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो जो मैंने रिसर्च करके निकाली। अब आपका काम ये है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है आपको लिरिक्स वेबसाइट पे काम करना है या नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लिरिक्स वेबसाइट काम वर्क नहीं करती, वर्क करती हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन आज की डेट में नहीं है। अगर आज से 6 महीने पहले आप काम करते, 90% चांसेस थे कि आप सक्सेसफुल होते, लेकिन और अगर आज की डेट में सक्सेस रेट की बात करूँ तो 10% भी नहीं आपको सक्सेस मिल सकती, अकॉर्डिंग टू मी। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा सजेशन है आपको मेरे रिसर्च के ऊपर, बाकी आप लोगों की चॉइस है, आपको काम करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, मेरा काम है जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो मैंने कर दी। बार बार बोल रहा हूं, अपने एंड से रिसर्च करो, तसल्ली करो, उसके बाद ही किसी चीज को इंप्लीमेंट करो। ऐसे ही किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, चाहे बहुत बड़ा पॉपुलर ब्लॉगर हो, चाहे कोई भी हो,
ब्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, अपने एंड से चीज़ें क्लियर करो तभी किसी पे वर्क करो। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीज़ें मिस हो गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मेक श्योर अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो बहुत सारे हेल्दी डिस्कशन आप वैसे ही मिस कर चुके हो, तो अगर फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लो और भी पावरफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे कि मैंने इस वीडियो में दी। टेलीग्राम ग्रुप में मैं पहले ही चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, चाहे वो अर्निंग प्रूफ हो, चाहे वीडियो के बारे में हो, कुछ भी हो, तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और अगर ऐसी ही पावरफुल और रियली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। वीडियो देखते हो आप लेकिन लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार आपके भाई के लिए इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्च करके आपके लिए ऐसी पावरफुल वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर और फैला दो ताकि सबको रियलिटी पता चल जाए लिरिक्स वेबसाइट की, क्योंकि ये था रियलिटी चेक ऑफ लिरिक्स वेबसाइट, जो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग Q&A चैनल पर ही मिलता है रियलिटी चेक। इससे पहले मैंने मूवी डाउनलोडिंग का रियलिटी चेक बनाया था, व्हाट्सएप वायरल विशिंग स्क्रिप्ट का रियलिटी चेक बनाया था, अगर वो दोनों आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना, चैनल पर मैं डाल दूंगा और यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं मिलता हूं आपको एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।